आज डिस्कस करेंगे सोल्डरिंग और ब्रजिंग के बारे में। सोल्डरिंग और ब्रजिंग में क्या डिफरेंस होता है और ये कैसे वर्क करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोल्डरिंग की। सोल्डरिंग होती क्या है? सोल्डरिंग एक तरह की प्रोसेस है जिससे हम दो सिमिलर और डिसिमिलर मेटल को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हम वेल्डिंग के अंदर दो मेटल्स को ज्वाइन करते हैं, इसी तरह सोल्डरिंग के थ्रू भी हम सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम एक सोल्डर यूज करते हैं जो हमारा फिलर मटेरियल होता है और वो लेड और टीन अलॉय का बना होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लेस देन होता है 450 डिग्री सेल्सियस से। तो जो ये फिलर मटेरियल होगा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो 450 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। वो फिलर मटेरियल हम सोल्डर के रूप में हम यूज करते हैं। तो ये होती है सोल्डरिंग, जिसके अंदर हम फिलर मटेरियल यूज करें जो मेल्ट हो जाए 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर के ऊपर। तो 450 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जो नीचे होगा उस पे मेल्ट हो जाए फिलर मटेरियल, तो उसको बोलते हैं सोल्डर। इस सोल्डर का हम यूज करते हैं दो सिमिलर या फिर डिसिमिलर मेटल्स के बीच में जॉइंट बनाने के लिए। तो जो ये सोल्डर है इसके सोल्डरिंग करते हुए हमें फ्लक्स की जरूरत पड़ती है। जो फ्लक्स इसके अंदर बना होता है जिंक क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड का और रेजाइन उसके अंदर मिक्स होते हैं। फ्लक्स का फंक्शन हम सब जानते हैं। फ्लक्स क्या करता है? ऑक्साइड बनने से बचाता है, एयर के कॉन्टैक्ट में आने से बचाता है हमारा जो जॉइंट होता है, ताकि जो हमारा जॉइंट है वो अच्छा और मजबूत बने। तो इसलिए हम फ्लक्स का यूज करते हैं। हमारे पास जो सोल्डर्स होते हैं वो अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होते हैं, तो उनके अंदर जो लेड और टीन की परसेंटेज है वो भी डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर हम सॉफ्ट सोल्डर की बात करें तो उसके अंदर 38% लेड होता है और 63% टीन होता है। इसके मिक्सचर से हमारा बनता है सॉफ्ट सोल्डर। और अगर 50% लेड हो और 50% टीन हो तो हम उसको बोलते हैं मीडियम सोल्डर। अगर 70-30 रेशो हो, मीन्स 70% लेड हो और 30% टीन हो, तो वो होता है प्लम्बर सोल्डर, जो प्लम्बर यूज करते हैं। अगर 58% लेड हो और 42% टीन हो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन सोल्डर, जो इलेक्ट्रीशियन यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू वर्किंग हम इस सोल्डर को बनाते हैं लेड और टीन के मिक्सचर के साथ। तो सोल्डरिंग आयरन के बारे में बात हम करते हैं कि सोल्डरिंग आयरन क्या होता है। ऑर्डिनरी सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन क्या चीज है? जिसके ऊपर हम सोल्डर को मेल्ट करते हैं वो सोल्डरिंग आयरन होता है। तो जो ऑर्डिनरी सोल्डरिंग आयरन है वो किन किन पार्ट से बना होता है? उसके पीछे होता है एक लकड़ी का हैंडल, इस तरह का हैंडल होता है। उसके आगे लगी होती है एक स्टील रोड जो कि अटैच होती है हमारी एक कॉपर बिट के साथ। ये कॉपर बिट है। ये कॉपर की क्यों बनाई होती है? क्योंकि जो कॉपर होती है वो अच्छी हीट कंडक्टर होती है, तो इसीलिए इसको कॉपर की बनाया जाता है, स्टील रोड के साथ अटैच किया जाता है। फिर जो ये कॉपर बिट है हम इसको गर्म कर लेते हैं। इसको हम गैस फ्लेम के थ्रू भी गर्म कर सकते हैं, इसको कोयले के थ्रू भी गर्म कर सकते हैं। तो इसको किसी भी तरह से हम गर्म करेंगे और फिर इसके ऊपर हम सोल्डर को लगाएंगे जिससे वो मेल्ट हो जाएगा। फिर हम उस मेल्टिंग जो सोल्डर है उसको जॉइंट के ऊपर लगा देंगे जहाँ पे हमें लगाना है। मेनली जो ये सोल्डरिंग है ये हमारी यूज होती है, जैसे जो टीवी के अंदर प्लेट्स होती हैं उनके ऊपर कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे कि आईसी है, रेजिस्टेंस है, जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उनके अंदर सोल्डरिंग का हम यूज करते हैं। ये है ऑर्डिनरी सोल्डरिंग आयरन। लेकिन ज़्यादातर हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन का। इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन भी हमारा हैंडल होता है उसके सबसे पीछे, और एक शैंक होती है। जो ये शैंक होती है ये हमारी स्टील की भी बनी हो सकती है और आयरन की भी बनी हो सकती है। ये हमारी सपोर्ट करती है हमारी
जो कॉपर बिट का फेस है, इस तरह का ये कॉपर बिट का फेस होता है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी इस आयरन को प्रोवाइड करते हैं तो शैंक गर्म होती है और ये जो हीट होती है शैंक की वो कॉपर के पास ट्रांसफर होती है, जिससे कॉपर जल्दी से जल्दी ट्रांसफर करता है और बहुत गर्म हो जाता है। फिर हम यहाँ पे फेस के ऊपर शोल्डर को रखते हैं और मेल्ट कर लेते हैं। फिर उस मेल्टिंग जो शोल्डर को हम जॉइंट के ऊपर जहाँ पे हमें लगाना है वहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो ये होती है शोल्डरिंग। शोल्डरिंग के लिए हमें एक आयरन की ज़रूरत होती है और शोल्डर की ज़रूरत होती है। शोल्डर हमने पीछे डिस्कस किया कि शोल्डर किस किस चीज़ का बना होता है, लेड और टीन का। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम परसेंटेज उसकी चूज करते हैं। तो इस शोल्डर को हम इसके ऊपर जब इसको गर्म करेंगे इस आयरन को, तो इसके ऊपर यहाँ पे रगड़ेंगे जिससे कि वो मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट होने के बाद हमारे पास एक कोई प्लेट है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक प्लेट है, इसके अंदर दो होल हैं जिसके अंदर हमें एक कंपोनेंट को जोड़ना है सोल्डरिंग की हेल्प से। तो एक हमारे पास इस तरह का कोई कंपोनेंट है, तो इस कंपोनेंट को हम इस प्लेट के नीचे लगाएंगे जिससे इसकी दोनों पिन जो हैं इन होल से बाहर आ जाएंगी। अब जो ये पिन इसके होल से बाहर आ गई है, इसको फिल करने के लिए, इसको जोड़ने के लिए हम इस सोल्डर को इसके ऊपर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे आयरन की हेल्प से, जिससे ये जॉइंट अच्छा बनेगा और मजबूत बनेगा। लेकिन सोल्डर अप्लाई करने से पहले हम इसको फ्लक्स देंगे, फ्लक्स अप्लाई करेंगे ताकि जो एयर कॉन्टैक्ट में ना आ पाए जब हम शोल्डरिंग अपनी प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को क्लीन करते हैं और उसके बाद इसको हम फ्लक्स अप्लाई करते हैं। तो फ्लक्स अप्लाई करने के बाद हम शोल्डर यहाँ पे मेल्ट होगा जो इसके ऊपर यहाँ पे लगा देते हैं। तो सोल्डिफाई होने के बाद ये एक जॉइंट बन जाता है। तो शोल्डर जाएगा, आयरन के ऊपर मेल्ट होगा और जो हमारा आयरन है वो अप्लाई कर देगा उसे इस जॉइंट के ऊपर जहां पे हमें अप्लाई करना है। तो ये होती है शोल्डरिंग। ब्रेजिंग क्या है? ब्रेजिंग के अंदर ये भी एक प्रोसेस है सिमिलर और डिसिमिलर मेटल को ज्वाइन करने की, लेकिन जो हम इसके अंदर यूज करते हैं फिलर मटेरियल उसको हम बोलते हैं स्पेल्टर। सोल्डर नहीं बोलते, स्पेल्टर बोलते हैं। वो बना होता है कॉपर एलॉय का। कॉपर एलॉय मीन्स कॉपर, जिंक, टीन, इन तीनों के मिक्सचर का वो बना होता है। तो उसका जो टेम्परेचर होता है मेल्टिंग पॉइंट वो 450 डिग्री सेल्सियस से अबव होता है, ऊपर होता है। शोल्डरिंग के अंदर ये बिलो था 450 डिग्री सेल्सियस से, लेकिन ब्रेजिंग के अंदर ये अबव होता है जो फिलर मटेरियल का है। लेकिन ये मेल्टिंग पॉइंट है ये पेरेंट मेटल से हमेशा कम होगा, चाहे सोल्डरिंग हो चाहे ब्रेजिंग हो। फिलर मटेरियल का जो टेम्परेचर होता है पेरेंट मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से हमेशा कम होता है। पेरेंट मेटल क्या होता है? जिसके ऊपर हमें जॉइंट क्रिएट करना है। ए मिक्सचर ऑफ स्पेल्टर एंड बोरेक्स। बोरेक्स क्या है? फ्लक्स। स्पेल्टर क्या है? जो हमारा फिलर मटेरियल है। हम उन दोनों का मिक्सचर बना के उसको उसके अंदर वाटर को ऐड करके एक पेस्ट बना लेते हैं। उस पेस्ट को हम मेटल पार्ट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं और फिर हम उसके ऊपर जो हीट अप्लाई करते हैं। तो हीट अप्लाई करने के कई तरीके हैं ब्रेजिंग के अंदर। तो ब्रेजिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं जिनके अंदर हम हीट अप्लाई कर सकते हैं, किस किस तरह से? सबसे पहले है टॉर्च ब्रेजिंग। टॉर्च ब्रेजिंग के अंदर हम ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग की जो टॉर्च है उसका यूज करते हैं। मींस टॉर्च का यूज करके जो फ्लेम बनेगी उसका यूज करेंगे और हम इस मिक्सचर को हीट कर देंगे जो हमारा स्पेल्टर है, बोरेक्स है और वाटर का एक पेस्ट है, उसको मेटल जॉइंट पे अप्लाई करने के बाद टॉर्च के साथ उसको हीट कर देंगे जिससे वो पिघल जाएगा और पिघलने के बाद ठंडा होने के बाद जॉइंट बना देगा। तो टॉर्च ब्रेजिंग का हम यूज कर सकते हैं। दूसरा, हम फर्नेस ब्रेजिंग का यूज कर सकते हैं। मींस मेटल पार्ट्स के ऊपर ये पेस्ट लगाने के बाद उसको फर्नेस से आराम आराम से गुजारेंगे जिससे वो जो हमारा ये जो सारा मिक्सचर है वो मेल्ट हो जाएगा और सोल्डिफाई होने के बाद ज्वाइंट क्रिएट कर देगा। या फिर इलेक्ट्रिक ब्रेजिंग हम यूज कर सकते हैं।
आर्क का यूज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का यूज कर सकते हैं इस तरह से, या फिर डीप ब्रेजिंग। डीप ब्रेजिंग के अंदर क्या होता है, हम जो हमारे मेटल पार्ट्स है पेस्ट अप्लाई करने के बाद उसको हॉट साल्ट के अंदर डिप करते हैं, तो उससे क्या होगा, ये सारा जो मिक्सचर है पिघलेगा और जॉइंट क्रिएट कर देगा। तो ब्रेजिंग के कुछ टाइप्स हैं जिससे हम हीट को लेके एक जॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं, हमारे पास मान लीजिए दो मेटल प्लेट है, हम उनके ऊपर ये पेस्ट लगा देते हैं जो स्पेल्टर प्लस बोरेक्स प्लस वाटर से मिलकर ये पेस्ट बना है, और हमारे पास होती है वेल्डिंग टॉर्च, जो हमारी होती है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग टॉर्च। ये इसके पार्ट्स होते हैं, ये है नोजल, ये है मिक्सिंग चैम्बर जहाँ ऑक्सीजन और एसिटिलीन मिक्स होंगी, ये है कंट्रोल वाल्व गैस को कंट्रोल करने के लिए, ये है होज जो हमारी सिलेंडर के पाइप से कनेक्ट होंगी। तो सिलेंडर के पाइप से जो गैसेज आएंगी ऑक्सीजन और एसिटिलीन, वो मिक्सिंग चैम्बर में जाके मिक्स हो जाएंगी, मिक्स होने के बाद वो नोजल के थ्रू बाहर आएंगी और इग्नाइट होने के बाद यहाँ पे एक मोल्टन पूल क्रिएट कर देगी, जो कि हमारा पेस्ट है वो सारा मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जॉइंट क्रिएट हो जाएगा। तो यह है ब्रेजिंग। तो ये था डिफरेंस सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के अंदर। ब्रेजिंग के जॉइंट हमेशा मजबूत बनते हैं सोल्डरिंग के जॉइंट से। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।